हमने इलास्टिक कोलिजन कर ली, हमने इन इलास्टिक कोलिजन आज हमने खत्म कर ली, 1D 1D, और अब हम करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ऑलरेडी आप अगर अपनी कॉपीज चेक करें वर्क पर एनर्जी की, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक बॉल है M1 मूविंग विद U, बॉल M2 मूव एट रेस्ट, और उसके बाद क्या हुआ, इनकी टक्कर होगी एंड दे अटेन अ कॉमन वेलोसिटी। तो ऐसे ही क्या कॉमन वेलोसिटी अटेन करती है। अब कॉमन वेलोसिटी में कॉमन वेलोसिटी निकालनी होती है तो क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। कैसे, M1 into U plus 0 is equal to M1 plus M2 into V common की वैल्यू आ जाएगी। हमने बहुत क्वेश्चंस किए थे वर्क पर एनर्जी में इस ऐसे कि अगर एक बुलेट आ रही है M विद वेलोसिटी ऑफ U, एक ब्लॉक हवा में लटका हुआ है जिसका मास कैपिटल M है, बुलेट ब्लॉक के अंदर आ गई, दोनों इकट्ठे मूव करते हैं और बताओ कितनी हाइट अटेन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन वर्क पर एनर्जी में किए थे। क्या किया था, सबसे पहले बुलेट ने जब ब्लॉक को हिट किया फाइंड कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन। कैसे, MU plus 0 is M plus M into V common, यहां से V common की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या किया था याद करो, यहां से यहां H height attain की थी इस pendulum ने, तो sum of potential and kinetic equal किया था, potential यहां पर 0 है, kinetic half M plus M into V common का square है, potential यहां पर M plus M into GH है और kinetic 0 है। इन्हें equate करके M plus M cancel, V common की वैल्यू यहां से निकाल के V कॉमन यहां पे पुट करके हाइट की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवाए थे, तो क्लियर है यहां तक। तो मतलब बुलेट और जब ब्लॉक को हिट करेगा तो पहला मोमेंटम कंजर्वेशन से कॉमन वेलोसिटी निकलेगी, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन से हाइट निकलेगी। ये हमने डिस्कस कर लिया, राइट? ठीक है।